जेडीयू ने गठबंधन के तहत अपने खाते में आई बिहार की 16 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा जेडीयू ने 2 मौजूदा सांसदों का टिकट भी काट दिया है, जबकि दल बदलकर आए 2 नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। सीतामढ़ी से मौजूदा सांसद का टिकट काटकर विधान परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि सीवान सीट पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट मिला है। इसके अलावा आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुई लवली आनंद को शिवहर से टिकट दिया गया है।